यूपी के जनपद पीलीभीत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कोरोना की महामारी में स्कूल संचालक चला रहे हैं अपनी मर्जी। ताजा मामला पीसलपुर के ग्राम परसिया का है, जहां स्कूल संचालक नेत्रपाल ने छात्र से फीस न मिलने पर स्कूल से निकाला। छात्र के पिता ने जब इसकी शिकायत स्कूल संचालक से की तो स्कूल संचालक ने छात्र को जमकर पीटा, जिसके बाद छात्र के पिता जगदीश प्रसाद ने शिकायत पत्र देकर स्कूल संचालक नेत्रपाल पर की कार्रवाई की मांग। यूपी के जनपद पीलीभीत से हमारे संवाददाता कर्णदेव शर्मा की रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले। आपका नाम? जगदीश प्रसाद। अच्छा अच्छा, क्या समस्या है आपको? मैं गांव जसोली का रहने वाला हूं। ग्रीन डेल पब्लिक स्कूल जो परसिया में नेत्रपाल चलाते हैं, उसकी मान्यता नहीं है। उन्होंने मुझे आश्वासन देकर मेरे 3 बच्चों के नाम वहां दिखाए हैं और कोविड-19 का खुला उल्लंघन करते हुए इस समय बच्चों से फीस वसूलने के उद्देश्य से 150-200 बच्चों को रोजाना बुलाकर क्लास चला रहे हैं। मैंने 15/4/2021 को विद्यालय जाकर फोटो खींची। 1,000 रुपये फीस जमा ना करने के कारण मेरे बच्चों को धूप में खड़ा किया गया और उनके साथ पिटाई की गई। मैंने इसकी तहरीर दी है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं? मैं बच्चों के साथ जो मारपीट की गई है और जो कोविड-19 का खुला उल्लंघन किया गया है, फोटो मैंने अपने मोबाइल से खींची है, उसमें समय और तारीख रहती है, उसके आधार पर उक्त अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और बिना मान्यता के स्कूल जो चला रहा है उसको पूर्णतया बंद कराया जाए।